Hello friend welcome to banking puzzle today i am going to solve two prelims level puzzle especially for sbi clerk prelims one is based on age based and second one is based on triangle based so let's start the puzzle first i solve age based puzzle so let's begin the puzzle there are 8 persons रिंकी रोहन कालिका सुभाष रमन नमन सोहानी एंड पूनम ऑल आर ऑफ डिफरेंट एजेस 19, 21, 23, 28, 36, 37, 48 थर्टी सिक्स एंड फोर्टी फाइव ईयर्स बट नॉट इन द सेम ऑर्डर देखो आठ लोग हैं ठीक है थेके? उनका जो एज है ना वो डिफरेंट डिफरेंट दिया हुआ है ठीक है तो एज मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि मेरे को समझाने में आसानी हो ठीक है एज लिख लेता हूँ यहाँ पर नाइन्टीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स थर्टी सेवन फोटी एट एंड फोर्टी फाइव है ठीक है देखो तो मैं इसमें क्या करना है जनरली तो आपको पहले नाम लिख लो यहाँ पर एक तो या तो आप नाम लिख लो या फिर एज लिख लो ठीक है तो मैं यहाँ पर नाम लिखने वाला हूं क्योंकि नाम ज्यादा इजी होता है मेरे को ठीक है आप भी हमेशा नाम ही लिखा करो रिंकी रोहन कालिका सुभाष रमन नमन सुहानी एंड पूनम ठीक है आपका नाम भी लिख ले तो अब चलो पजल को पढ़ लेते हैं द एज ऑफ रोहन इज मल्टीपल ऑफ थ्री देखो रोहन का जो एज है ठीक है थ्री का मल्टीपल है तब तो देख लो थ्री का मल्टीपल क्या क्या है नाइनटीन तो होगा नहीं ट्वेंटी वन है ट्वेंटी थ्री होगा नहीं ट्वेंटी एट भी नहीं होगा थर्टी सिक्स होगा थर्टी सेवन नहीं होगा फोर्टी टू हो जाएगा और फोर्टी फाइव भी हो जाएगा ट्वेंटी वन है थर्टी सिक्स है फोर्टी टू है एंड फोटी फाइव है ठीक है तो अगर मैं इस पॉसिबिलिटी से चेक करूँ तो देखो चार पॉसिबिलिटी बन जाएगा ठीक है तो हम इस कंडीशन को भी होल्ड में रखते हैं ठीक है और आगे पढ़ते हैं देर आर थ्री ईयर्स ऑफ एज डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ सुभाष एंड रोहन दो क्या बोला सुभाष और रोहन का जो एज का गैप है ना वो थ्री इयर्स है ऐज गैप थ्री इयर्स का है अब हम देख लेंगे थ्री इयर्स का एज का गैप कहाँ कहाँ है अगर हम नाइनटीन से जाएँ तो थ्री इयर्स यदि नीचे जाए यहाँ पर होना होना चाहिए कितना सिक्सटीन और ऊपर जाए तो ट्वेंटी टू तो ये तो होगा नहीं ट्वेंटी वन से ट्वेंटी फोर चाहिए इधर जाए तो एटीन चाहिए तो नहीं होगा ट्वेंटी थ्री से इसमें जाए तो फाइव का गैप है इसमें भी नहीं गैप गैप फुलफिल नहीं हो रहा है ट्वेंटी एट से मैं नीचे जाऊँ ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ऊपर जाओ तो थर्टी वन हो जाएगा तो ये भी गैप नहीं हो रहा थर्टी सिक्स थर्टी सेवन ये भी नहीं होगा देखो थर्टी सेवन से फोर्टी टू ये भी नहीं हो रहा है देखो फोर्टी टू और फोर्टी फाइव से हो रहा ठीक है यहाँ पर देखो तीन का गैप है तो यहाँ पर देखो फोर्टी टू फोर्टी फाइव कोई भी तो हो सकता है पता नहीं है तो फोर्टी टू एक बार कर लेते हैं सुभाष को एक बार फोर्टी फाइव कर लेते हैं अगर सुभाष फोर्टी टू हो गया तो रोहन इस केस में फोटी फाइव होगा और ये सुबह 45 फाइव हो गया तो रोहन फोटी टू हो जाएगा ठीक है तो दो पॉसिबिलिटी मेरा बन रहा है देखो ठीक है तो चलिए हम इसको बैठाते हैं दो पॉसिबिलिटी देखो दो पॉसिबिलिटी लेके चलते चलते तो सुबह एक केस में 42 टू हो गया तो दूसरा केस में 45 फाइव हो गया तो रोहन इस केस में फोर्टी फाइव हो जाएगा तभी ना तीन का गैप होगा और यहाँ पर देखो यहाँ पर फोटी टू हो जाएगा रोहन ठीक है तभी ना तीन का गैप होगा तो ये भी हो गया मेरा ये भी हो गया अब आगे पढ़ते हैं रमन इज़ फाइव ईयर यंगर देन सुहानी देखो रमन जो है ना सुहानी से पाँच साल छोटा है ठीक है और ये पाँच साल बड़ा है ठीक है तो फाइव ईयर का हम गैप देखेंगे कहाँ कहाँ है नाइन्टी ट्वेंटी वन गैप नहीं फुल पे हो रहा ट्वेंटी वन से ट्वेंटी थ्री नहीं हो रहा है ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी एट देखो पाँच का गैप हो रहा ठीक है आप देख 28, ट्वेंटी एट थर्टी सिक्स ये भी नहीं हो रहा थर्टी सिक्स से थर्टी सेवन ये भी नहीं हो रहा थर्टी सेवन से फोर्टी टू देखो और एक पाँच का गैप हो रहा है थर्टी सेवन से 42 टू गया तो पाँच का गैप हो रहा है ठीक है यहाँ पर तो होगा नहीं तो दो पॉसिबिलिटी है ठीक है थर्टी सेवन फोर्टी टू ट्वेंटी एट ट्वेंटी थ्री तो सुहानी देखो सुहानी एक बार फोर्टी टू भी हो सकता है तब ये रमन क्या हो जाएगा थर्टी सेवन हो जाएगा अगर सुहानी ट्वेंटी एट की होगी तो रमन जाहिर सी बात है कि ट्वेंटी थ्री का होगा तो चलो इसको बैठाते हैं सुहानी फोटी टू देखो फोर्टी टू तो सुहानी में नहीं बैठ सकता क्योंकि देखो फोर्टी टू या तो सुभाष होगा या तो रोहन होगा यहाँ पर बैठ चुका है दोनों से होगा तो फोर्टी टू तो स्वानी का नहीं होगा तो थर्टी सेवन भी कैंसिल हो गया तो स्वानी ट्वेंटी एट का है तो स्वानी ट्वेंटी एट का होगी उस हिसाब से ट्वेंटी एट बड़ा है रमन से ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और रमन ट्वेंटी थ्री का हो जाएगी ट्वेंटी थ्री का हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी थ्री का हो गया रमन फिर चलो आगे बढ़ते हैं ये भी केस फुलफिल हो गया मेरा रिंकी इज एल्डर देन ओनली वन पर्सन सॉरी सॉरी कालिका इज एल्डर देन ओनली वन पर्सन ठीक है कालिका बोला कालिका एक ही जन से ओनली बड़ा है बाकी सबसे छोटा है ठीक है एक ही जन से बड़ा है मतलब क्या है कोई नाइनटीन का होगा ठीक है जस्ट उससे बड़ा है तो इस हिसाब से ये ट्वेंटी वन का होगा नाइनटीन से बड़ा जस्ट ट्वेंटी वन ही होगा एक ही से बड़ा है, तो काली का ट्वेंटी वन हो जाएगा ठीक है ट्वेंटी वन हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया अब आगे देखते हैं रिंकीज़ ओनली वन ईयर एंगर देन नमन रिंकी जो है ना एक साल छोटे छोटी है नमन से मैंने से एक कर दो ठीक है तो एक साल वाला हम गैप देख लेते हैं नाइनटीन ट्वेंटी वन ये तो होगा नहीं एक साल का गैप या नहीं है और भी नहीं है देखो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन में बन रहा है और आगे बन रहा है नहीं बन रहा है तो देखो थर्टी सिक्स थर्टी सेवन तो नमन थर्टी सेवन का होगा तो ये थर्टी सिक्स का होगा रिंकी नमन थर्टी सेवन नमन थर्टी सेवन और रिंकी थर्टी सिक्स ठीक है तो बाकी कौन सा बच रहा है यार नाइनटीन ही बच रहा है देखो नाइनटीन यहाँ आ गया आगे देख लेते दो पथोरिटीज जा रहा है एज डिफरेंस बिटवीन रोहन एंड नमन इज नॉट मोर देन फाइव देखो रोहन और नमन के बीच जो एज का गैप है ना फाइव प्लस नहीं होना चाहिए या तो पाँच हो जाए या तो पाँच से कम होगा ठीक है पाँच प्लस नहीं होना चाहिए रोहन और नमन देख लेते हैं रोहन यहाँ पर है देखो रोहन यहाँ पर है और नमन यहाँ पर है यहाँ पर गैप देखो कितना हो जा रहा है एट ईयर्स का गैप हो रहा है ठीक है और हमको तो पाँच ही तक चाहिए उसे ज़्यादा नहीं चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएगा मेरा केस देखो रोहन और इस इसमें देख लेते हैं रोहन इधर रोहन हो गया और इधर मेरा नमन हो गया देखो इसमें पाँच ही साल का गैप है छतीस इससे बयालीस जाए तो पाँच ही का गैप हुआ और यहाँ पर बोल ही रहा या तो पाँच हो गया जाती है उससे कम होगा तो ये फुलफिल कर रहा है तो ये ट्रू है ठीक है ये केस मेरा ट्रू हो जा रहा है ठीक है देखो आई टुक ऑलमोस्ट एट मिनट इन दिस पजल बिकॉज आई एक्सप्लेन इट वेरी लूसिड मैनर सो दैट आई कैन टेक टाइम अदरवाइज आई कैन सॉल्व दिस पजल जनरली टू और थ्री मिनट्स नॉट मोर देन थ्री मिनट्स ठीक है इससे ज़्यादा तो वक्त नहीं लगना चाहिए इस वजन में आप तीन मिनट में कर सकते हो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हो भाई बहुत अच्छा से और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ अगर आप इस पज़ल सीरीज जो मैं अभी चला रहा हूँ आपने ये फॉलो कर लिया तो आपको एस बी आई क्लर्क फिलिम्स के में जो भी पजल आता है उसके लिए आपको कोई डरने का बात नहीं है ठीक है इससे बाहर कोई भी पजल नहीं होगा जो मैं सीरीज करा रहा हूँ क्या कि मैं जितना भी क्वेश्चन अभी ला रहा हूँ सब चुन चुन के ला रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट फिफ्टी इस सेट तो लेने ही वाला हूँ ठीक है ना मतलब 50 पजल तो ले ही लूँगा ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पजल के लिए जो कि ट्राइंगल बेस्ट में है ठीक है नाइन फ्रेंड्स रात्रि मनीषा पंखुड़ी श्वेता पांची खुशी भारती नबिया एंड मिस्टी आर सिटिंग इन ट्राइंगल टेबल बट नॉट ने इन द सेम ऑर्डर ठीक है यहाँ पर नौ लोग हैं जो कि ट्राइंगल सेप में बैठा हुआ है ठीक है टू पर्सन सीट एट इच साइड ऑफ द टेबल एंड वन पर्सन सीट एट इच कॉर्नर ऑफ द टेबल ऑल ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड नो नौ लोग हैं ठीक है वो ट्राइंगल शेप में बैठा हुआ है ठीक है ट्राइंगल शेप में दो पर्सन बैठे तो एटलीस्ट बना के ही चलते हैं और साइड में हर एक साइड में दो दो बैठा हुआ है और कॉर्नर में एक एक बैठा हुआ एक 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 और यहाँ पर भी दो 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 ठीक है और सब इनसाइड है तो इनसाइड है तो आपको जानते हैं ना जब भी इनसाइड बोल दे सिर्फ इनसाइड साइड है तब तो वो इस तरह करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप यदि इसमें टेन भी सेकेंड वे, अपना वेस्ट कर रहे हो तो आप और से और, और से पीछे है। ठीक है तो आपको ये करना नहीं है तो मैं यहाँ कुछ साइन नहीं दिखाने वाला हो तो ये सब इनसाइड ही है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं भारती सीट थर्ड टू द राइट ऑफ मिस्टी भारती देखो थर्ड टू द राइट ऑफ मिस्टी तो मिस्टी को मैं एक दफ़ा यहाँ पर लूँगा मिस्टी एक दो तीन आपका भारती यहाँ पर हो गया इस केस के अनुसार और मिस्टी अगर यहाँ बैठ गई तो भारती एक दो तीन भारती यहीं पर होगी ठीक है देखो एक केस यहाँ हो सकता है एक केस यहाँ भी हो सकता है एक केस को यहाँ पर भी लेना होगा तो चलो तीसरा केस में हम ले ही लेते हैं नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर ले लिया यहाँ पर ले लिए अब यहाँ पर मिस्टी दो तीन भारती ठीक है मनीषा सेट टू द इमीडिएट राइट ऑफ भारती तो मनीषा यहाँ पर होगा इस केस में मनीषा मनीषा ठीक है इसके से मनीषा यहाँ पर हो गया अब देख लेते हैं वन पर्सन सीट बिटवीन रात्रि एंड मिस्टी रात्रि एंड मिस्टी देखो मिस्टी एक दो रात्रि एक दो रात्रि इधर भी हो सकता है मिस्टी एक दो रात्रि रात्रि देखो दो इसमें फिर फर्दर पॉसिबिलिटी बन जाएगा तो इसको होल्ड करते हैं मिस्टी और रात्रि के बीच एक लोग हैं उसके आगे पढ़ते हैं ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन रात्री एंड नबिया देखो अब देखो रात्रि और नबिया के बीच में भी एक है अब आपका वो जो था पॉजिटिव रहा था वो कट जाएगा देखो ये अगर हम मिस्टी यहाँ पर हैं और रात्रि यहाँ बैठा देते हैं ठीक है तो नबिया यहाँ बैठ सकता है नहीं बैठ सकता है? नहीं बैठ सकती और नब्बे इधर भी नहीं बैठ सकती है तो तो रात्रि तो यहीं पर होगा रात्रि एक छोड़कर कर इसमें भी वही होगा रात्रि यहां पर नहीं हो सकता आपका रात्रि यहीं पर होगा तो नब्बे यहां पर होगा रात्रि यहां पर नहीं हो सकता तो रात्रि आपका यहीं पर होगा ठीक है रात्रि यहीं पर होगा तो फिर नब्बे आपका यहाँ पर होगा ठीक है यह भी होगी अब मैं आगे बढ़ता हूँ पांची इज इमिटेड नेबर ऑफ नीदर रात्रि और भारती पांची जो हैं ना तो भारती और ना ही रात्रि पांची यहाँ नहीं बैठ सकता है और ना ही यहाँ सकता। तो तो बैठ सकता है पांची तो पांची तो यहीं पर बैठेगा इस केस में पाछी यहाँ नहीं बैठ सकता है पाछी यहाँ नहीं तो पांची यहीं पर बैठेगी पांची यहाँ यहाँ नहीं बैठेगी ठीक है पांची यहाँ पर नहीं बैठेगी तो, तो पांची आपका यहाँ पर बैठेगी पांची देखो तो यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना ये इसके लिए है ठीक है ये इसके लिए और ये पांची इसके लिए है ठीक है पाछी होगी अब मैं देख लेता हूँ फर्दर पंखुड़ी सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन मनीषा एंड मिस्टी पंखुड़ी पंखुड़ी जो है ना पंखुड़ी बिटवीन मनीषा मनिशा, मनीषा मनीषा एंड मिस्टी मिस्टी पंखुड़ी मिस्टी और मनीषा एक दो तीन तो पंखुरी तो यहीं पर बैठेगी ठीक है और यदि इधर से देखे एक दो तीन चार तो नहीं एग्जेक्टली बेटवीन तो होगा नहीं तो पंखुरी यहाँ पर हो जाएगा ठीक इस है इसमें देख लेते हैं मनीषा और मिष्टी मिस्टी किधर है इधर इधर तो नहीं हो सकता तो पंखुड़ी यहीं पर होगी ठीक है मिश्री मनीषा एक दो पंखुरी यहीं पर होगी जाहिर सी बात है ठीक है पंखुड़ी यहीं पर होगी अब मैं अगर देखता हूँ okay. खुशी, तो दे खुशी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ श्वेता खुशी एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल श्वेता जो है कॉर्नर टेबल में बैठी है हम तो देख लेते हैं तो इस केस में तो श्वेता यहाँ पर बैठेगी ठीक है श्वेता यहाँ पर बैठ गई आपका इस केस में श्वेता यहाँ पर बैठ गई इस केस में देखो यहाँ पर कोई केस खाली ही नहीं है तो ये कट गया अब देख लेते हैं क्या बोला था खुशी से सेकंड टू द राइट ऑफ श्वेता तो अब देख लेते श्वेता तो खुशी यहीं पर बैठेगी जाहिर सी बात है अब देख लेते हैं इसमें भी श्वेता एक दो खुशी यहाँ नहीं बैठ सकती है तो ये आपका गलत है और ये कंडीशन आपका सही है ठीक है सो दैट्स इन द सेशन हियर एंड See you again in the next video. So, if you like the video, please keep sharing and keep watching. Thank you. God bless you and take care.